हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इनफिनिटी। तो मास्टर कैडर मैथ्स के प्रीवियस इयर्स डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। 16, 17 एंड 2021 में जो एग्जाम हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एंड सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए हैं। तो आज हम करने वाले हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। सेट थ्योरी तीनों पेपर्स को एक साथ लेके चलेंगे, तो सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 2016 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट एक्स एक्स इज इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 2x इज इक्वल टू 6, ये हमें गिवन है। तो बताना है कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट होंगे कौन से, एक तो x इंटीजर होना चाहिए, यानी जो भी एलिमेंट होंगे वो इंटीजर होंगे और इसे भी सेटिस्फाई करे, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को भी जो नंबर सेटिस्फाई करे एंड 2x इज इक्वल टू 6 को भी सेटिस्फाई करे। यहां से x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा और यहां से x 3 आ जाएगा। अब जो ये प्लस माइनस 2 है, इंटीजर तो है ये, लेकिन इसे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे और 3 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि वो नंबर जो इंटीजर भी हो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। इसलिए इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 5 आ जाएगा यहां एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ए सेट दे रखा है एक्स एक्स इज रियल एंड मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, ये है ए सेट। तो इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, यानी एक्स माइनस 1 टू 1 लाई करेगा। तो ये सारे नंबर्स रियल होंगे, तो ए में आ जाएगा माइनस 1 टू 1 ओपन इंटरवल के साथ ये नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल आ जाएगा। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये ए सेट बन जाएगा। एंड बी सेट देख लेते हैं। बी में है एक्स एक्स इज रियल एंड एक्स माइनस 1 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे भी ओपन करते हैं, क्या बनेगा, माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां अगर हम लिख लें एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1, एड हो जाएगा 1, तो x की क्या वैल्यू बनेगी, x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड ये वाली साइड लेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। तो b सेट के अंदर कौन से नंबर्स आएंगे, जैसे यहां ये 0 है ये 2, तो x लेस देन इक्वल टू 0 यानी ये वाली साइड माइनस इंफिनिटी टू 0 और यहां क्लोज इंटरवल हो जाएगा क्योंकि इक्वालिटी है यूनियन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां भी क्लोज इंटरवल है 2 टू इंफिनिटी हो जाएगा ये पूरा। और अब हम देख लेते हैं कि आगे सॉल्व क्या करना है। a इंटरसेक्शन b हमें फाइंड आउट करना है, तो a इंटरसेक्शन b में कौन से नंबर्स आ जाएंगे, ये हमारे पास है सेट b, b इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, और हमें ए इंटरसेक्शन बी देखना है। लाइन पे ही चेक कर लेते हैं, ये 0 ये माइनस 1 यहां ये 1 होगा, तो माइनस 1 टू 1 यानी ए सेट तो ये है जिसमें माइनस 1 एंड 1 काउंट नहीं हो रहे। बी सेट माइनस इंफिनिटी टू 0 यानी ये है बी सेट सारा, और यहां 2 है 2 टू इंफिनिटी, तो ये तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो देखना है कि जीरो काउंट होगा या नहीं होगा। जीरो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब जीरो काउंट होगा। माइनस 1 यहां नहीं है, यहां है लेकिन इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा। माइनस 1 टू 0 हो जाएगा, यहां ओपन इंटरवल एंड यहां क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट
दो सेट हैं इस तरह के, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इक्वल है तो सेट किस तरह का होगा? अगर यूनियन एंड इंटरसेक्शन इक्वल होती है तो वो सेट भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 67 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन केमिस्ट्री, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन केमिस्ट्री ओनली। तो यहां वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, एन यू यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 हैं और हम यहां ले लेते हैं मैथ्स वाले 55 एंड केमिस्ट्री वाले हैं 67। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन केमिस्ट्री ओनली यानी सी माइनस एम हो जाएगा। तो इसे किस तरह ओपन करते हैं, मतलब ये इस तरह दे रखा है, ये हमारे पास मैथ्स है ये केमिस्ट्री है, तो सी माइनस एम यानी जो इंटरसेक्शन है वो भी माइनस कर देनी है, सिर्फ केमिस्ट्री वाले ये वाला चाहिए हमें। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस यहां ये इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन माइनस करने के लिए इंटरसेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी, ये तो है ही हमारे पास, तो क्या बनेगा 100 इज इक्वल टू 55 प्लस 67 माइनस ये फॉर्मूला होता है यानी एन सी यूनियन एम इज इक्वल टू एन सी प्लस एन यहां एम माइनस इनकी इंटरसेक्शन, इसी तरह से करते हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज रख दी हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा एन सी इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 122 माइनस 100, तो यहां से 22 आ जाएगा। अब हम यहां वैल्यू रख देते हैं, क्या बनेगा नंबर ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स है 67 माइनस 22 हो जाएगा यहां से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर, इनफीमम बताना है। तो यहां जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे वो कौन से होंगे, 2, 4, 6 ये हो जाएंगे, इनमें सबसे छोटा क्या है 2 है, तो इनफीमम क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां जीरो नहीं लेना है, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, और इन्होंने कहा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, तो यहां ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट 1/n n इज इक्वल टू 1, 2 यानी ये है नेचुरल नंबर्स, तो हमें बताना है क्लोज होगा ओपन होगा क्या बनेगा। तो सेट बनेगा किस तरह से, जब हम 1 रखेंगे 1 ये 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह बनता जाएगा, और ओपन किस तरह से चेक करते हैं, अगर सेट का यानी इसे ऐसे लें इसका इंटीरियर इस सेट के इक्वल आ जाए तो सेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इंटीरियर किस तरह से देखते हैं, यानी अगर सेट का कोई भी एलिमेंट उठाएं हम और उसके नेबरहुड में उस सेट के ही सारे एलिमेंट होने चाहिए तो वो सेट ओपन हो जाता है। अब अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, ये एलिमेंट तो बहुत दूर दूर है, तो इसका जब हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो इस नेबरहुड के अंदर इस सेट के अलावा भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो इंटीरियर सेट होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इंटीरियर 5 बनेगा। तो एस के इक्वल तो ये है नहीं इसलिए ओपन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी तो गलत हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्लोज्ड, क्लोज्ड किस तरह से चेक करना होता है कि ड्राइव्ड सेट जो बनाए एस डैश ये पूरा पूरा एस के अंदर जाना चाहिए। अब ड्राइव्ड सेट किस तरह से बनाते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है उसके अगर अराउंड हम नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स उस सेट के हों। ओपन के लिए क्या होता है कि सारे पॉइंट्स ही उस सेट के होने चाहिए, लेकिन ड्राइव सेट के लिए क्या होता है सारे ना हो लेकिन इनफाइनाइटली मेनी मिलने चाहिए। तो यहां इस सेट में जैसे ड्रॉ करते हैं एन को जब हमने 1 रखा, यहां ये 1, 2, 3, 1 रखा तो क्या आया हमारे पास 1 आया यानी ये बनेगा। उसके बाद जब हम 2 रखते हैं तो ये 1/2 और जब हम 3 रखते हैं ये इस तरह आता जाएगा। तो इस तरह से ये 0 के बिल्कुल क्लोज होता जाएगा,
यानी जब हम जीरो के अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे हमें। तो इस तरह से ड्राइव सेट में क्या आ जाएगा, जीरो एलिमेंट आ जाएगा, यानी इसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एस डैश इज इक्वल टू जीरो। और क्या जीरो इस सेट के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब एस डैश पूरा पूरा नहीं जा रहा एस में, तो इसलिए ये क्लोज्ड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां करेक्ट बनेगा, नीदर ओपन नोर क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। तो देखते हैं ऑप्शंस। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये कुछ सेट हैं जो ध्यान रखने हैं कौन से काउंटेबल होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल जो होते हैं वो या तो फाइनाइट होने चाहिए या फिर वो वन वन ऑन टू मैप बनाए नेचुरल नंबर्स के साथ। तो इनके अलावा जो सेट होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल सेट कौन से होंगे? जैसे कोई भी फाइनाइट सेट हो गया वो तो काउंटेबल ही होगा। उसके अलावा नेचुरल्स हो गए या फिर इंटीजर्स हो गए, सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर्स हो गए, रैशनल्स हो गए, और जो भी प्राइम नंबर्स हो गए, ये तो सब क्या हो जाएंगे, हमारे पास काउंटेबल ही हो जाएंगे, ध्यान रखने हैं थोड़े। और इसके अलावा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स और ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हो गए, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ध्यान रहे रैशनल तो काउंटेबल होते हैं एंड इरेशनल अनकाउंटेबल होते हैं। ये इरेशनल है वो अनकाउंटेबल होते हैं, हमें काउंटेबल बताना है। रियल्स भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, यानी ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स इसमें आ जाएंगे तो ये काउंटेबल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। एंड द सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल, ये भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। इसके अलावा कोई भी इंटरवल आ जाए, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज है, दोनों तरह के इंटरवल क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं। कोई भी इंटरवल अनकाउंटेबल माना जाएगा, तो कोई भी इंटरवल अनकाउंटेबल होगा, तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। तो ये थे 2016 के क्वेश्चंस। अब आगे हैं 2017 के क्वेश्चंस, जो 2017 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, ए सेट दिया है हमें 1 2 3 4 5 एंड बी सेट दिया है 2 3 6 एंड 7। हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो यहां ए क्रॉस बी करेंगे, पहले बी क्रॉस ए करेंगे और इंटरसेक्शन चेक करेंगे। तो ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ध्यान रहे हमें इंटरसेक्शन बतानी है, सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जो वन के साथ एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी, यानी यहां 1 2 ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा ना, 1 3 एंड 1 6 1 7। अब हम बी क्रॉस ए भी लिखेंगे, बी क्रॉस ए जब लिखेंगे तो यहां 1 के साथ तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में 1 वाले एलिमेंट तो नहीं आएंगे, तो ए क्रॉस बी में ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कम से कम लिखना पड़े तो 2 के साथ तो आएंगे, तो 2 के साथ लिख भी लेते हैं 2 2, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट 2 3 2 6 एंड 2 7। 3 के साथ क्या आ जाएगा, 3 2 3 3 3 6 एंड 3 7। 4 के साथ, 4 के साथ ना ही लिखें क्योंकि यहां 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, आगे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद B क्रॉस A अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, वैसे चेक कर सकते हैं साथ के साथ यहां भी। एंड 3 के साथ क्या बनेगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 6 के साथ, तो 6 के साथ तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां नहीं है। अब हम इंटरसेक्शन देख लेते हैं, इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, एक तो 2 2 आ रहा है, यानी यहां लिखते जाते हैं 2 2, उसके बाद 2 3 ये आ रहा है 2 3, उसके बाद है हमारे पास 3 2 ये, तो
थ्री टू आ जाएगा, उसके बाद है थ्री थ्री एंड थ्री थ्री आ जाएगा। तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये बताना था, फोर हो गए। ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू, ए है हमारे पास एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड बी है, यहां लिखते हैं बी और एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देख लेते हैं एलिमेंट कौन से होंगे, उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो जाएगा, यानी ए सेट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, माइनस वन एंड वन, एंड इसे सेटिस्फाई करने वाला वन होगा, तो एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा, यहां से वन वन आएगा, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, तो बी सेट के अंदर आ जाएगा वन। अब यहां ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, वन ही आएगा, जो कि बी के इक्वल है, एंड ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, माइनस वन एंड वन आएगा, जो कि ए के इक्वल है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो ए तो नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यूनियन फाइव, यूनियन तो ए के इक्वल है, ऑप्शन बी भी गलत। सी में है इंटरसेक्शन फाइव, फाइव नहीं है, सी भी गलत, एंड डी में है यूनियन इज इक्वल टू ए, यूनियन ए के इक्वल है, तो ऑप्शन डी यहां करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीमम ऑफ द सेट वन ओवर एन, एन इज अ नेचुरल नंबर, यहां सीधा लिख देते हैं एन बिलोंग्स टू एन। तो सेट में सुप्रीमम देखना है, जब हम वन रखेंगे क्या बनेगा, वन, नेक्स्ट वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, वन ओवर फोर, ये होगा। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, वन है, सुप्रीमम यहां वन हो जाएगा, एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कौन सा सेट ऐसा होगा जिसका हम एक एलिमेंट अगर उठाएं, कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, तो जब हम नेबरहुड ड्रॉ करें तो सारे पॉइंट्स क्या हों, सेट के ही हों, यानी हर एक पॉइंट ऐसा मिले कि उसके अराउंड जब हम नेबरहुड ड्रॉ करें तो सारे पॉइंट उस सेट के मिले। तो सबसे पहला है क्यू ऑफ रैशनल नंबर, जब हम कोई भी रैशनल नंबर उठाएंगे, कोई भी, उसके अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो क्या सारे रैशनल्स ही आएंगे, रैशनल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स भी आ जाएंगे, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। एंड सेकंड है इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर उठाएंगे तो नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, फिर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल्स, नेचुरल्स तो वैसे भी बहुत दूर दूर होते हैं, तो कोई भी पॉइंट अगर हम उठा लेते हैं, कोई भी एलिमेंट नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो नेचुरल्स का होगा, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये करेक्ट बनेगा, कोई भी रियल ले लो, वो अगर हम लेते हैं और नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो सारे पॉइंट्स रियल ही होंगे, क्योंकि जो रैशनल होंगे और इरेशनल होंगे, और रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, रियल में तो आते ही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल, तो अभी हमने डिस्कस किया कि सारे के सारे इंटरवल अनकाउंटेबल होते हैं, तो यहां ऑप्शन तीन, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, तीन ऑप्शन इंटरवल दे रखे हैं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरवल है और ये अनकाउंटेबल होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। एंड नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट के लिए क्या होता है, वो सेट बाउंडेड होना चाहिए एंड क्लोज्ड होना चाहिए। तो देख लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है पहला, तो नेचुरल नंबर्स बाउंडेड तो नहीं होते, वन टू थ्री ये चलते रहते हैं, तो ये बाउंडेड नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गलत, फर्स्ट कंडीशन ही गलत हो गई। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो रैशनल्स भी बाउंडेड नहीं होते, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सेट ऑफ रियल्स भी बाउंडेड नहीं होते, थर्ड भी गलत हो जाएगा, और ये है ए बी, इंटरवल है ये बाउंडेड है तो, और ये क्लोज्ड भी है, तो यहां क्या बनेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 2017 के क्वेश्चंस जो सेट थ्योरी से रिलेटेड थे,
अब हम करते हैं 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 में। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बाकी तो एलिमेंट दे रखे हैं, तो इस सेट में देख लेते हैं पहले एलिमेंट कौन से आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। एक्स एक्स माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा ये 2 एंड 3। तो यानी ए सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे 2 एंड 3, एंड बी सेट में हमें दे रखा है 2 एंड 4, एंड सी सेट में दे रखा है 4 एंड 5। हमें बताना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन देख लेते हैं बी एंड सी में क्या बनेगी। बी एंड सी में एक ही एलिमेंट है 4 जो इंटरसेक्शन में आएगा, ए है 2 3 एंड मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ जाएगा इसमें 2 4 एंड ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एंड 3 4, तो ये दो एलिमेंट आ जाएंगे और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एंड बी है एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू 144, और हमें क्या बताना है ए इंटरसेक्शन बी में कितने पॉइंट आएंगे। तो जो सेट ए है वो ये सर्कल है, ड्रॉ कर लेते हैं पता चल जाएगा, जो दोनों जो ये डायग्राम बनेंगे कट करेंगे उतने पॉइंट आ जाएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। तो यहां ये सर्कल हो जाएगा, ये पॉइंट है हमारे पास 50, क्योंकि रेडियस कितनी है 5, सेंटर 0 0 है और ये -5 0, और इसे जब हम ड्रॉ करेंगे इलिप्स बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ये 12² हो जाएगा, 144 से डिवाइड कर दिया, प्लस ये है 9y² एंड यहाँ 144 इज इक्वल टू 1, तो ये कैंसल आउट होगा जब, तो यहाँ ये 16 हो जाएगा जिसे हम लिख देंगे 4², यानी ये बना एक्स स्क्वायर ओवर 12² प्लस y² ओवर 4² इज इक्वल टू 1। तो यहां ये किस तरह बनेगा, इलिप्स इस तरह आ जाएगा हमारे पास, ये कोई पॉइंट है 0 4 क्योंकि ये माइनर एक्सिस, एंड ये है हमारे पास 0 -4 एंड ये 12 0 हो जाएगा और ये -12 0 हो जाएगा। कट कितने पॉइंट कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स, तो इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन, तो ओपन बताना है। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल्स हैं, ओपन के लिए क्या करना होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एस इंटीरियर एस के इक्वल आना चाहिए, यानी सेट का कोई भी पॉइंट उठाएं उसके अराउंड जब हम नेबरहुड ड्रॉ करें सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए उस सेट के होने चाहिए। तो नेचुरल्स 1 2 3, इसके बीच में तो बहुत नंबर्स आ जाते हैं, अगर किसी भी नंबर के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स होंगे, तो सारे पॉइंट्स क्या एक भी पॉइंट सेट का नहीं मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास ओपन नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत। एंड सेकेंड है ए बी, तो यहां इंटरवल ए बी दे रखा है, तो ये क्या बनेगा कोई भी पॉइंट उठाएंगे इस सेट का, यानी इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट उठा लेंगे, तो जब हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो उस नेबरहुड में सारे पॉइंट्स इस इंटरवल के आ जाएंगे, ऑप्शन बी यहां करेक्ट बनेगा, ये ओपन इंटरवल है तो ओपन तो होगा ही। सी है, देख लेते हैं सारे ऑप्शंस, सेट ऑफ ऑल रैशनल्स, रैशनल्स तो कोई भी पॉइंट उठाएंगे इरेशनल्स आ जाएंगे, डिस्कस किया है अभी। और डी है सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां करेक्ट बनेगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, बोथ ओपन एंड क्लोज होते हैं, नीदर ओपन नोर क्लोज होते हैं। तो इसमें जो
ओपन चेक करने के लिए, यानी कोई भी इरेशनल नहीं, सारे इरेशनल हों नेबरहुड के अंदर, ऐसा तो नहीं है, ओपन तो ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए गलत। सेकेंड है क्लोज, क्लोज का मतलब है जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट यानी ड्राइव सेट होगा वो इस सेट में आना चाहिए। तो रैशनल्स एंड इरेशनल्स दोनों का जो ड्राइव सेट होता है वो रियल सेट होता है। कैसे? क्योंकि कोई भी अगर इरेशनल लेंगे तो उसके अराउंड जब हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, चाहे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स आएंगे लेकिन इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स भी तो होंगे, क्योंकि फर्क समझना है थोड़ा ओपन और क्लोज चेक करने में। ओपन के लिए तो सारे पॉइंट्स सेट के हों, क्लोज्ड के लिए सारे की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी चाहिए बस। तो इनफाइनाइटली मैनी तो मिल ही जाएंगे, तो इसका जो ड्राइव सेट बनेगा वो रियल सेट होगा और रियल सेट रैशनल्स में तो कंटेन नहीं करता, तो ये क्लोज्ड भी नहीं होगा, नीदर क्लोज्ड नॉर ओपन में आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट क्या होता है? क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, और रैशनल्स बाउंडेड नहीं होते, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकेंड है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, सेट ऑफ रैशनल्स काउंटेबल होते हैं, इरेशनल्स अनकाउंटेबल होते हैं, बी भी गलत हो जाएगा। सी है इफ ए एंड बी आर काउंटेबल देन ए क्रॉस बी भी काउंटेबल होगा, ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। दोनों अगर काउंटेबल हो तो फाइनाइट प्रोडक्ट जो होती है वो क्या हो जाती है? काउंटेबल ही होती है, ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। एंड डी है सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन ओपन, तो ये गलत है, सेट ऑफ इंटीजर ओपन नहीं होगा क्योंकि सारे पॉइंट्स जो है वो इंटीजर नहीं मिलेंगे नेबरहुड में, तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। ये थे सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस 16, 17 एंड 2021 में जो पूछे गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।